कि आखिर जनता की पसंद क्या है, किसे वो पीएम की कुर्सी पर इस बार काबिज होते देखना चाहती। अबे बनकर बनकर वो टीवी भाई, देखने दो ना, चुनाव चल रहे। अबे तेरे को चुनाव का चू भी पता है का चूती है? और तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे बहुत नमूने हर नुक्कड़ पे बैठे मिलेंगे। साहब जी, मोदी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, नहीं अपना मोदी जीतेगा। हाँ, अरे रे रे रे, राहुल गांधी जीतेगा, ये भगवान उठा ले रे, उठा ले। इनको खुद कॉलेज में चार चार सब्जेक्ट में केटी लगी होती है, खुद का भविष्य केएलपीडी में अटका है और इनको देश के भविष्य की चिंता है। फिर कुछ लोग बोलेंगे, देखो पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हम तो पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश बदलेंगे। अच्छा कच्चा कब बदला था लास्ट टाइम? वो तो नहीं पता। वोटर आईडी है क्या तेरे पास? वो भी नहीं है। तो भाग ऐसे भाग, भाग। साला तुम जैसे लोग इलेक्शन की छुट्टी पे घर पे गांजा फूक के पड़े रहते और चले देश बदलने। गांजा लीगल हो गया? नहीं नहीं, टाइम है अभी। और ये इलेक्शन के टाइम पे सारे नेता लोग वादे बहुत करते हैं, मुझे चुनो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा, मुझे चुनो मैं तुम्हें 10,00,000 रुपए दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं गरीबी हटाऊंगा। और इलेक्शन के बाद पता चलता कि इन भोसड़े वालों ने गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा दिया और उसकी जगह एक शॉपिंग मॉल बना दिया। ये नेता लोगों के वादे कब यादें बन जाती पता ही नहीं चलता। अर्ज किया है इरशाद के इलेक्शन के टाइम पे किए गए वादे और घर में घुसे टकले प्लम्बर के इरादे कभी सही नहीं होते। फिर आते हैं न्यूज चैनल। ये इंडियन न्यूज चैनल किसी डेली सोप टीवी सीरियल से कम नहीं है। यहाँ पे आपको ड्रामा, इमोशनल सीन, साजिश और कॉमेडी भर भर के मिलेगा। ये न्यूज चैनल वाले जब पैदा हुए थे तभी डॉक्टर ने इनके पिछवाड़े में झूठ नामक इंजेक्शन मार दिया था। सच का नाम सुनते ही इन्हें बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एंटी नेशनल फ्लू, गद्दार फ्लू, सब टाइप की बीमारियां हो जाती है। मानो इनके जैसा देशभक्त चैनल बना ही नहीं आज तक। आज तक मतलब आज तक, नॉट आज तक मतलब आज तक, चल छोड़। मैं तो बोलता हूँ ये न्यूज एंकर अगर अवार्ड फंक्शन में आने लगे तो मजा ले किसी फिल्म एक्टर को फिल्मफेयर या ऑस्कर मिले। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इनके झूठ के सामने मुझे सरसी ने डिनेरेस टार्गेरियन से किया हुआ वादा भी सच्चा लगने लगा है। अभी इतना झूठ बोलते हैं न्यूज चैनल वाले, ऊपर जाके भगवान भी इनका झूठ सुनकर इस्तीफा दे देगा। कंट्रोल भाई कंट्रोल। जहाँ देखो हर कोई एक ही बात बोलता है, मैं मोदी को वोट दूंगा, मैं राहुल को वोट दूंगा, मैं फलाना डिमका को वोट दूंगा। अरे बावली गान प्रजाति के लोग, जब तुम पोलिंग बूथ वोट देने जाओगे वहां तुम प्राइम मिनिस्टर को वोट दे ही नहीं सकते। हमारे संविधान ने हम सामान्य नागरिक को प्राइम मिनिस्टर को वोट देने का कोई अधिकार नहीं दिया है। तुम लोग इलेक्शन के दिन पीएम को नहीं एमपी को वोट देने जाते हो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लेजी भाई, पार्लेजी नहीं पार्लियामेंट। हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पूरे देश से 543 एमपी सिलेक्ट होते हैं लोकसभा में, और एक पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए लगते हैं 272 एमपी। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 272 एमपी सिलेक्ट नहीं होते तो वो पार्टी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के साथ घपाघप मतलब गठबंधन करती है। फिर वो लोग एक लीडर चुनते हैं, वो चमत्कारी मनुष्य प्राणी जाके प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो तुम्हें ये चिंता नहीं करनी कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर चुन के आएगा, तुम ये सोचो कि तुम्हारे इलाके से तुम कौन से एमपी को चुन के लाओगे। जब तुम्हारे एरिया के रास्तों में गड्ढे हो जाते तो प्राइम मिनिस्टर गड्ढे भरने नहीं आएगा, तुम्हारा एमपी गवर्नमेंट को एक लॉ पास करेगा फिर वो गड्ढे भरेगा। और इस काम के लिए उसे गवर्नमेंट से 3-4 लाख रुपए पेमेंट मिलता है। और ये सब पैसा आता कहाँ से? तुम्हारी जेब से। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वोट देने से पहले सोचो कि हमारा एमपी भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल तो नहीं, या फिर एटलीस्ट एजुकेटेड तो हो। पर नहीं, हमारे लंड बुद्धि लोग इलेक्शन के एक दिन पहले किसी एमपी के घर बिरयानी खाने जाएंगे, बुलेट में फ्री का 2 लीटर पेट्रोल डाल के रैली निकालेंगे और उसे जिता देंगे। फिर वही एमपी सिलेक्ट होने के बाद वैम्पायर बन जाएगा जो तुम्हारा खून चूस चूस के सारी बिरयानी बाहर निकालेगा। और तुम लोग जाके गवर्नमेंट को कोसोगे। अगर देश का हर नागरिक किसी अच्छे पढ़े लिखे एमपी को वोट देगा तब जाके देश में एक अच्छी सरकार बनेगी। तो जो पढ़े लिखे अपने आप को स्मार्ट समझने वाले गवार लोग बोलते हैं ना कि हम वोट नहीं देंगे, सारे पॉलिटिशियंस खराब है, अरे नालायक को, तुम्हारे वोट ना देने के वजह से तो खराब पॉलिटिशियंस चुन के आते। देश के लिए सही नेता चुनने की फुल पावर होती है एक सामान्य नागरिक में। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अगर कोई भी नेता या पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें पैसे देने का लालच देती है कि हमें वोट दो हम तुम्हें पैसे देंगे, अरे पैसा हवा में नहीं आता, खून पसीना एक करके कमाना पड़ता है। और वही पैसों के टैक्स का सही इस्तेमाल एक सही गवर्नमेंट कर सकती है। तो अगर आपको इलेक्शन की छुट्टी मिलती है तो वोट देने जाओ और सही एमपी चुनो। जिसके पास वोटर आईडी नहीं है तो बनाओ। छोटा सा प्रोसीजर होता है, घर में बैठकर पबजी खेलने के बजाय या टिकटॉक करने के बजाय ये काम करो। वाह 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 वाह, क्या बोला है मेरा भाई। चलो आज इसी खुशी में पार्टी शार्टी करते। भाई पड़ोस के विधायक ने पार्टी रखी है, दारू मिलेगा क्या? हाँ फुल स्टॉक एकदम। हाँ तो चलो, किसका इंतजार है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करो, लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।